बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, किसानों से जुड़ी हुई, जहां उनका दिल्ली कूच एक बार फिर से सामने आ रहा है। यूपी से किसानों का दिल्ली कूच, मेरठ से ट्रैक्टर रैली के लिए लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। गौरव टिकैत की अगुवाई में ये ट्रैक्टर रैली सामने आई है। देखिए तस्वीर भी इस वक्त मौके से आपके सामने। बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी इस रैली में मौजूद हैं। तो यूपी से किसानों का दिल्ली कूच करने वाला ये तस्वीर आप देखिए। गौरव टिकैत की अगुवाई में ये पूरी ट्रैक्टर रैली जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रही है। मेरठ के सिवाय से किसानों का ट्रैक्टर मार्च गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका है। गौरव टिकैत जो नरेश टिकैत के पुत्र हैं, उनके नेतृत्व में ये किसान यात्रा गाजीपुर के लिए चल रही है। गौरव टिकैत यहां पर साथ हैं, खुद ट्रैक्टर ड्राइव कर रहे हैं। आगे कंकरखेड़ा पे इनके पिता नरेश टिकैत इस काफिले के साथ जुड़ जाएंगे। गौरव, अब फिर से क्योंकि काम किसानों के निमट गए हैं, खेत से फ्री हो गया किसान, अब युवाओं ने हुंकार भर दी है, दिनचर्या का हिस्सा बना लिया ये आंदोलन, नौजवान ने भी बना लिया, क्योंकि काम धंधे तो कोई है नहीं, 2-2 करोड़ रोजगार की तो बात है, शायद हवा हवाई बातचीत थी। अब जमीन पे निगाह है इनकी, जमीन नहीं जाने देना, के आंदोलन जारी रहेगा, जितना लंबा चलाना चाहती हो सरकार उतना लंबा चला ले, आंदोलन से पीछे किसान नहीं हटेगा। 2-2 जनपदों की जिम्मेदारियाँ, जैसा जनपद मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की जिम्मेदारी है, इसी तरीके से आगे शामली और बागपत की बंट चुकी ड्यूटी, और ये 2024 तक भी आंदोलन चलेगा तो चलाएंगे। 2-2 जनपद अभी इकट्ठे होके जाएंगे, 2-2 जनपद एक महीने में, ये महीने में 2-3 यात्राएं निकलेंगी, महीने में 2-3 जाते रहेंगे और वापस आ जाएंगे, या वहीं जब दूसरा जत्था जाएगा, जब फिर जो है वो वापस आ जाएगा, मतलब एक जत्था ज्वाइन करेगा, दूसरा जत्था आ जाएगा। तो अभी कितने किसान आपके साथ जा रहे हैं? देखो, संख्या के आधार पर आंदोलन नहीं है ये, हर किसान का आंदोलन है, जो अगर वो अपने घर पे भी है, अपने खेत में भी है, तो उसकी निगाह आंदोलन के दौरान है, आंदोलन की सारी गतिविधियों पर उसकी नज़र बनाई रखी है, अपने दिनचर्या से आंदोलन बना लिया, हर किसान जो है अपना आता रहेगा, जाता रहेगा। ये निकल चुका है काफिला, पूरी तरीके से आप देखिए, काफ़ी भीड़ है ट्रैक्टरों की, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जनपद का यह आंदोलन है, जिसमें मेरठ के किसान भी शामिल हो गए। अगर निगाह डालें तो युवा ज़्यादा हैं इस आंदोलन में, जैसे सारे युवा ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं। ये तमाम किसान सीधे यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, और गाजीपुर बॉर्डर पर जब इन्हें दूसरा जत्था 2 जनपदों का ज्वाइन करेगा, तब ये जत्था वापस वहाँ से लौटेगा। ये सिलसिला मेरठ से शुरू किया गया है, मेरठ के सिवाया से, और अब ये सिलसिला हर महीने ऐसे ही 2-2 जनपदों का आगे चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज़ नेशन।